हर साल अलग अलग परिवारों की तरफ से होला मोहल्ला की सेवा ली जाती है। तो 2023 का जो होला मोहल्ला है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्गवासी सुबह करतार सिंह होटियाँ, इनके जो बेटे हैं उन्होंने ये सेवा ली है। इन ये जो होला मोहल्ला की इस वर्ष की सेवा हो रही है वो इस परिवार की तरफ से हो रही है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में, इंडिपेंडेंस में जो नामधारियों के द्वारा जो भी योगदान दिया गया उसको समर्पित ये पूरी एक तरह से एक मिनिएचर पार्क यहाँ पे स्थापित किया गया है, ताकि जो अपने बच्चे हैं जिनको अपने इतिहास के बारे में बताना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये भी आप देख रहे हो, ये जो पूरा मॉडल है ये भैनीसाव गाँव का है, यहाँ पर साथ में इसका पूरा इतिहास भी लिखा हुआ है। ये देखिए, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पॉज करके पूरी तरह अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये पूरे का पूरा मॉडल जो है भैनीसाव गांव का है, जो पुरातन यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट थी। अभी तो बहुत कुछ बदल गया। ये देखिए, ये जो पार्ट अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट अभी भी काफ़ी हद तक एज इट इज़ है, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्नाइज हुआ है। तो मैं आगे चल कर आपको सारा ये भी दिखाता हूँ। सतगुरु राम सिंह जी को जब देश निकाला दिया गया था तो अंग्रेज़ उन्हें लुधियाना स्टेशन से ही आगे कलकत्ता के लिए लेके गए थे। तो यहाँ इसीलिए इसका एक मॉन्यूमेंट यहाँ पे बनाया गया, ताकि अपने बच्चों को बताया जा सके। ये इलाहाबाद का किला है, इसका प्रॉपर मॉडल बनाया गया है इलाहाबाद के किले का, जहाँ पर सतगुरु राम सिंह जी को रखा गया था। खुशकिस्मती से 2019 में मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था किले का दर्शन करने का। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये मॉडल लुधियाना का है, जहाँ पे ज्ञानी रतन सिंह और रतन सिंह मंडी जिन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। तो ये मॉन्यूमेंट आज भी लुधियाना में है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इनकी यादगार को स्थापित किया गया। मैं आपको आने वाले ब्लॉक में वो भी दिखाऊँगा। ये देखिए, ये उसके बाद आगे जो और धार्मिक हमारे शहीदी स्थान हुए हैं, जैसे ये जो शहीदी स्थान आप देख रहे हो ये रायकोट में है, रायकोट में भी ये देखिए, ये जो एक तरह से
फांसी लगाने का जो फंदा यहाँ पे बनाया गया, इस तरीके से उनको फांसी दी गई थी शहीदों को, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने जो प्राण है वो न्यौछावर। ये देखिए, ये जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हो, ये यहाँ पे ये है मलेरकोटला का। वहाँ पे 66 नामधारी सिंहों को तोपों के साथ उड़ा दिया गया था और ये उन्हीं की एक यादगार बनी हुई है प्रॉपर। दोस्तों, ये जो मॉन्यूमेंट है ये अमृतसर का है। अमृतसर के कंपनी बाग में नामधारी सिंहों को फांसी दी गई थी, क्योंकि उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब की उनकी पवित्रता थी उसको बनाए रखने के लिए दरबार साहब के साथ में जो बुच्चड़खाना खोला हुआ था उसको बंद करवाया था। उसके जो बुच्चड़ थे या जो कसाई थे उनके उनको कत्ल कर दिया था और जो गायें वहाँ पे बांधी हुई थी उनको आज़ाद करवाया था। तो इसी वजह से अंग्रेज़ ने उनको पकड़ के तो फांसी दे दी। तो ये जो भी मॉडल देख रहे हो, ये चुनार के किले का मॉडल है। ये किले सब इसलिए यहाँ पे बनाए गए क्योंकि किसी टाइम पे अंग्रेज़ों के टाइम पे ये जो किले होते थे ये अंग्रेज़ों की जेल का काम करते थे। और अंग्रेज़ क्या करते थे कि पंजाब से जो फ्रीडम फाइटर होते थे उनको यहाँ से पकड़ के ले जा के इन जेलों में कैद कर देते थे। इसलिए इन जेलों के जो मॉडल हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को ये बता सकें कि आज़ादी आसानी से नहीं मिली या फ्री में नहीं मिली, उसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। अब ये आप देख रहे हो, ये जो कलकत्ता पोर्ट का यहाँ पे एक मिनीचर क्रिएट किया गया है जहाँ से सतगुरु राम सिंह जी को अंग्रेज़ पहले लुधियाना से इलाहाबाद लेके गए, इलाहाबाद से कलकत्ता लेके गए, कलकत्ता से उन्हें रंगून भेज दिया गया। ये देखिए आगे जो ये अब मॉडल आपको नज़र आ रहा है ये रंगून का है, जिसे आज की डेट में हम लोग म्यांमार कहते हैं। तो ये वो किला था या कह लो वो बंगला था जिसमें के सतगुरु राम सिंह जी को अंग्रेज़ों ने रखा था और इसके आसपास में सख्त पहरा होता था ताकि कोई भी सिख सतगुरु राम सिंह जी को वहाँ पे जाके मिल ना सके, किसी तरह से कोई भी मैसेज एक्सचेंज ना हो सके। ये देखिए, उसके पहले बाउंड्री वॉल थी, उसके बाद में पानी था, पानी के बाद फिर वॉल थी, वॉल के अंदर उनको रखा जाता था। किसी तरह से भी उनको दुनिया से कट करने के लिए अंग्रेज़ ने ये काम किया था, बट फिर भी किसी तरह से भी मैसेजेस जो थे वो एक्सचेंज होते रहे हैं। देखिए, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मरगोई का बंगला है। अंग्रेज़ की लाख कोशिश के बावजूद भी जब वो सिखों के साथ सागु राम सिंह जी का जो मैसेजेस का अपना एक्सचेंज है वो बंद नहीं कर पाई, तो उन्होंने सागु राम सिंह जी को रंगून वाले बंगले से शिफ्ट करके यहाँ पे मरगोई वाले बंगले पे भेज दिया था। मरगोई वाले बंगले पे भेजने के बावजूद भी आप ये लेके चलो कि भी अंग्रेज़ जो है वो सतगुरु राम सिंह जी के जो मैसेजेस हैं वो सिखों के साथ जो एक्सचेंज होते थे उसको नहीं रोक पाई थी, फिर भी सतगुरु राम सिंह जी ने कृपा करते हुए बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो संगत के नाम पे भेजे थे। ये है असीरगढ़ का किला, जहाँ पे के जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ सरकार के लिए जो पंजाबी फ्रीडम फाइटर थे या सिख फ्रीडम फाइटर थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले होते थे, इसलिए अंग्रेज़ सरकार की कोशिश यही रहती थी कि उन्हें जितना जल्दी जल्दी हो सके पंजाब से बाहर किसी भी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो ऐसे जो पुराने किले बने हुए थे वहाँ किलों में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी करके तो जितने भी कैदी होते थे, जो पोलिटिकल कैदी यहाँ के अगल बगल फ्रीडम फाइटर जो होते थे, तो उन्हें यहाँ पर इन किलों में कैद कर दिया जाता था। हमारा सारा जत्था है यमुनानगर से कीर्तन करने के लिए पहुंचे हैं सब लोग। ये देखिए, सब लोग हाय कर दो। सत श्री अकाल। तो ये भैनी साहब की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ पे निरंतर 2400 घंटे प्रभु का नाम जो है ना निरंतर प्रवास से चलता रहता है। अभी ये देखिए, हम लोग अभी पहुंचे हैं हरि मंदिर, ये सतगुरु हरि सिंह जी के याद में बनाया गया है। यहाँ पे आपको राम मंदिर, हरि मंदिर, प्रताप मंदिर सब के दर्शन करने को मिलेंगे। तो ये देखिए, पूरी सृष्टि में आपको ऐसा सरोवर नहीं मिलेगा, ये अष्टकोण शेप में बना हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी जो ब्यूटी ये है कि इसमें जो सरोवर का जल है, जो पानी है, वो कहीं भी बाहर से नहीं डाला जाता, नेचुरल तरीके से नीचे से ही कुएं से आता है।
कि इसके नीचे कुआं है जहाँ से ये सारा पानी आ रहा है। कहीं भी आप चले जाओगे सरोवर आपको दिखेगा तो वहाँ पानी ऊपर डाला जाता है सरोवर में पंप के थ्रू, लेकिन यहाँ पे जो भी आपको जल दिख रहा है ये सारा ऑटोमेटिकली नीचे से आता है, कुएं से आता है, कहीं भी सेपरेटली बाहर से नहीं डाला जाता। ये जो भी आपने देखा ये अखंड वर्णी का स्थान है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये इसका जो इतिहास है वो पूरा लिखा हुआ है, आप चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये है प्रताप मंदिर। पहले जो भी समागम बड़े होते थे, जो भी अपना प्रोग्राम होते थे पोले के या सुए महीने के, तो सब यहाँ पे होते थे। अब सतगुरु जी की कृपा से जैसे बड़ा हॉल बन गया तो अब यहाँ पे जो है ये संगत जो आ रही है उनको नाइट स्टे के लिए सारा यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। और साहब से कुछ संगत अभी मुझे मिली है यहाँ पे, ये देखिए कहाँ कितना थला? नंगथला हिसार जिला। ओके राजस्थान नहीं हरियाणा हरियाणा सॉरी सर, ठीक है। ये देखिए ये सारे भाई अपने पास साथ में है, ये दिखाने के लिए आया, ठीक है जी, दर्शनों के लिए। जी। दोस्तों ये जोड़ा घर बना हुआ है, शूरा बना हुआ है कि संगत जिसने भी दर्शन करने के लिए जाना है वो अपने शूज़ जो हैं वो यहाँ पे एक प्रॉपरली सेफ जगह पे जमा करवाएं। सुन भाई सत श्रीकाल, बस कृपा जी। ये देखिए ये हमारे सोन भाजी हैं पक्के सेवादार। यहाँ पे जोड़े अपने जमा कराने के बाद अब हम आगे पंडाल की तरफ जाएंगे जहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। थोड़ा पानी पीते हैं यार, प्यास लगी है। ये देखिए यहाँ पे ये शरदाई भाजी, हाँ जी शरदाई का लंगर चल रहा है। ये केड़ी जगह भाजी सेवा हो रही है? गुरनाम सिंह होठियां वाले। अच्छा होठियां वाले, ठीक है जी, ठीक है, चलिए शरदाई पी जाए। शरदाई ऐसी चीज का मजा अलग ही होता है बस। से पहले मैंने जो आपको प्रताप मंदिर दिखाया, जो भी प्रोग्राम होते थे, जो भी सत्संग का प्रोग्राम होते थे सारे वहाँ पे होते थे। अब सागर उदय सिंह जी की कृपा से देखिए अभी ये नया पंडाल बना है और क्या ह्यूज साइज है ये इस पंडाल का, ये देखिए। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें सभी धर्मों के जो नुमाइंदे हैं वो शिरकत करेंगे, तो कोशिश करेंगे वो भी दिखाने की आपको। इसके साथ में यहाँ पे अभी आपको ये कड़ी मिल जाएगी
कढ़ी पकौड़े और साथ में ये चावल चल रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पे दाला प्रसादा भी है जो रेगुलर हमारा रूटीन में रहता ही रहता है। दोस्तों मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अभी शाम के बज चुके हैं 4:30। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम है सेवा करने का, तो थोड़ा सेवा भी कर ली जाए यार, ये व्लॉग के चक्कर में सेवा नहीं छोड़ सकता। तो अभी आज का व्लॉग जो है ये यहीं पे ख़त्म होता है। आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस। साइनिंग ऑफ, जगजीत सिंह। बाय।